अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय मोहसिन अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वर्चुअल गाइड। वेलकम टू अमेजिंग दुबई एपिसोड नंबर 7। और आज एक और स्पेशल एपिसोड लेके हम आए हैं ब्लू वाटर आइलैंड। व्हाट इज़ दिस ब्लू वाटर आइलैंड? आज पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ, फिर कुछ आपको व्यू दिखाएंगे ब्लू वाटर आइलैंड का, और एंड बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। जैसे कि आप टाइटल से देख के जान सकते हैं, द विजन विच मेक्स दुबई ग्रेट। सो व्हाट विजन्स मेक्स दुबई ग्रेट, वो हम एंड ऑफ द वीडियो में रिवील करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि 2013 में बाय द परमिशन ऑफ हिज हाईनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम इस आइलैंड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया, जिस आइलैंड को ब्लू वाटर आइलैंड कहते हैं। यहाँ से आपको एक बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है दुबई मरीना के एक खूबसूरत हिस्से का, जिसका नाम है JBR मींस जुमेरा बीच रेजिडेंस। और जुमेरा बीच रेजिडेंस से आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है ब्लू वाटर आइलैंड का। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंडली, इस प्रोजेक्ट को बनाने का परमिशन हिज हाईनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम दुबई के रूलर UAE के प्राइम मिनिस्टर ने 2013 में दिया था। इसका एक्चुअल काम स्टार्ट होना था 2013 अप्रैल में, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से डिले होने से ये स्टार्ट हुआ 2013 के 20th मई को। आगे क्या हुआ चलिए बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2013 मई 20th को इस आइलैंड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 5 साल के अरसे में ये कंप्लीट हुआ। 2018 को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और तब से ओपन किया गया ब्लू वाटर आइलैंड को जनरल पब्लिक के लिए। इस आइलैंड के ऊपर तकरीबन 10 से 15 के अप्रॉक्सीमेटली बिल्डिंग्स हैं और 2 खूबसूरत 5-स्टार होटल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। इवन 200 के करीब आउटलेट्स रखे गए हैं रिटेल, फूड एंड बेवरेजेस के। और यहाँ से जो खूबसूरत व्यू मिलता है, चलिए आपको वो दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिल रहा है। वेल, बेसिकली वो एक और पार्ट है दुबई का, जिसको हम आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं ब्लू वाटर आइलैंड और उसके बाद आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। वेल, बातों बातों में एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया था कि आपने हमारी पिछली वीडियो जो कि बनाई गई थी लास्ट एग्ज़िट ऑफ खवानीज के ऊपर, उसमें ये सुना था कि लास्ट एग्ज़िट ऑफ खवानीज मिरास ने बनाया है। मिरास होल्डिंग ने ही ये आइलैंड भी बनाया है, जिसको कहते हैं ब्लू वाटर आइलैंड। लेट्स मूव। वेलकम बैक एवरीवन। सो इस वक्त आपको मेरे पीछे वो बड़ा सा जाइंट व्हील दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं एन दुबई मींस दुबई आए। स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है और कहा जाता है कि जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो दुनिया के किसी भी बड़े जाइंट व्हील से ज़्यादा बड़ा रहेगा। इट्स बीन सेड ये लंदन आई से 3 टाइम बड़ा है। उसका जो वो टोटल रिंग साइज़ है, उसका वेट 16 एयरबस एयरक्राफ्ट के बराबर है
और जो पोल्स उसको होल्ड करके रखे हैं वो पोल्स 15 लंदन बसेस की लेंथ रखते हैं। वेल, उसमें जो स्ट्रिंग्स यूज़ किए गए हैं वो स्ट्रिंग्स अगर आपस में जोड़ दिए जाएँ तो वो इतना डिस्टेंस कवर करेंगे जितना दुबई से लेके कायरो यानी कि कैपिटल ऑफ इजिप्ट। वेल, जब भी मैं इस रिंग को देखता हूँ तो मेरे माइंड में हमेशा इस हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का एक इंटरव्यू याद आ जाता है, जिस इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाई डू यू वांट एवरीथिंग सो बिग सो ह्यूज सो टॉल अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन योर स्टेट, जिसके रिप्लाई में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इंस्टेड ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। इस हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद मक्तूम को जर्नलिस्ट ने कहा सर व्हाई नॉट शो अप, प्लीज़ पूछिए। तो इस हाइनेस ने उससे दो क्वेश्चन पूछे जो कि सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि क्या आप जानते हो चांद पे जाने वाला दूसरा शख्स कौन था? एनी वन ऑफ यू, अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन उस जर्नलिस्ट को इसका नाम नहीं आता था, तो इस हाइनेस ने मुस्कुराते हुए कहा इट्स परफेक्टली फाइन इफ़ यू डोंट रिमेंबर द नेम, क्या आप नाम बता सकते हो उस पहले शख्स का जो चांद पर गया? तो उसने जल्दी में बताया कि नील आर्मस्ट्रांग। सो आई बिलीव ये कितना सिंपल क्वेश्चन है जो कि नर्सरी के बच्चे से लेके एक PhD सभी को इसका आंसर आता होगा। तो इस हाइनेस ने फिर से उसकी तरफ मुस्कराया और कहा कि आई होप यू गॉट योर आंसर नाउ। दुनिया में दूसरे नंबर पे आने वालों को दुनिया याद नहीं रखती, यू हैव टू बी नंबर वन अगर आप चाहते हो कि आपको दुनिया भर में याद रखा जाए। इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल कि एक फाइनल किसी भी चैम्पियनशिप के किसी भी कप के फाइनल में दो टीम्स पहुंचती हैं जिनमें से एक रनर अप रहती है और एक कप लेके जाती है, एंड द वन हु टेक्स दैट कप आर नोन एज अ चैम्पियंस। ओके, वेलकम बैक वंस अगेन। बातों बातों में हम एक बात कहना ही भूल चुके थे कि टाइटल का मतलब क्या है। आई होप नाउ यू नो द विजन्स दैट मेक्स दुबई ग्रेट, द विजन्स ऑफ हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम विच मेक्स दुबई अ ग्रेट प्लेस टू लिव, अ ग्रेट प्लेस टू विजिट। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आपको मिले सबसे पहले। दिस इज़ मोहसिन अली साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।